हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टूडियो में। तो आज के स्टूडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रीप डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म के बारे में। मतलब जब मटेरियल में हम कांस्टेंट लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, क्यों वो अपने यील्ड स्ट्रेस से बहुत कम स्ट्रेस में ही मटेरियल डिफॉर्म होना चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर जो है वो क्रीप स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इससे पहले मैंने क्रिप टेस्ट का वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, वहाँ पे मैंने क्रिप टेस्ट कैसे किया जाता है उसके अलावा जो क्रिप कर्व है उसके बारे में डिटेल से आपको बताया है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल का लिंक, उसमें आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो देखो कौन कौन से डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म होते हैं क्रिप के अंदर। तो यहाँ पर अलग अलग मैकेनिज्म दिया गया है, मैं सीधा आपको यहाँ से बताता हूँ इस डायग्राम से। ये एक ग्राफ है आपका स्ट्रेस वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, है ना, मतलब कितने स्ट्रेस और कितने टेम्परेचर में कौन सा डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म काम करता है, ये ग्राफ आपको यहाँ पे बता रहा है। देखो ये ऊपर क्या दिया है, डिसलोकेशन ग्लाइड, तो ये मैकेनिज्म काम करता है आपका हाई स्ट्रेस लेवल पे, मतलब जब मटेरियल पे आपने ज़्यादा स्ट्रेस लगा के रखा है, जो आप कांस्टेंट लोड जो लगा के रखते हो ना, ये कांस्टेंट स्ट्रेस वो अगर आपने ज़्यादा लगाया है, ठीक है, तो ये वाला मैकेनिज्म काम करता है डिसलोकेशन ग्लाइड, है ना। और ये किसी भी टेम्परेचर रेंज में काम कर सकता है, लो टेम्परेचर में भी हाई टेम्परेचर में भी। इसका मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि स्ट्रेस जो है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म काम करता है डिसलोकेशन ग्लाइड, है ना। इसके अलावा और कौन कौन से मैकेनिज्म है, डिसलोकेशन क्रीप है, ये हाई लोड हाई स्ट्रेस और हाई टेम्परेचर का मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला है रीज़न कोबल क्रीप का, ये वाला रीज़न है नेवेरो हेरिंग क्रीप का, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन स्ट्रेस कम है, ठीक है। मेन हम लोग इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म के बारे में, क्योंकि देखा क्या जाता है कि जब हम कांस्टेंट लोड अप्लाई करते हैं काफ़ी ज़्यादा समय के लिए मेटल में, तो मेटल जो है अपना जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है किसी भी मटेरियल का, वो स्ट्रेस है ना जहाँ पे मेटल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर आपको मेटल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना है तो आपको इतना स्ट्रेस लगाना पड़ेगा कि उसके यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे ना तभी मेटल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन क्रिप में क्या देखा जाता है कि उससे कम स्ट्रेस में ही मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, तो ये सारे मैकेनिज्म के कारण होता है, ठीक है। इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिसलोकेशन ग्लाइड। डिसलोकेशन ग्लाइड कहाँ पे काम करता है, ये हाई स्ट्रेस पे काम करता है, ठीक है। मतलब मटेरियल मान लीजिए हम कहीं पे मटेरियल में क्या हो रहा है, क्रिप लोड लग रहा है, मतलब कांस्टेंट लोड लग रहा है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर अगर कम है, ठीक है, है ना, या बोल सकते हो कि लोड ज़्यादा लग रहा है और टेम्परेचर कम है, वैसा अगर कोई कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें जो डिसलोकेशन या जो डिफॉर्मेशन होगा वो इसके थ्रू होगा, डिसलोकेशन ग्लाइड के थ्रू। डिसलोकेशन ग्लाइड क्या होता है, एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, जो डिसलोकेशन होता है ना वो मूव करता है, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये डिसलोकेशन है, डिसलोकेशन आप सबको पता होगा, जो एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम होता है ना उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन। दो टाइप का डिसलोकेशन होता है, एक एज डिसलोकेशन, एक स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ये एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम आ गया क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम है आ गया, इसको बोलते हैं एज डिसलोकेशन, ठीक है। तो मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए क्या मेन चीज़ होता है कि आपका डिसलोकेशन मूव करना चाहिए, ठीक है। डिसलोकेशन मूव करता है ना तभी मेटल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो डिसलोकेशन ग्लाइड क्या होता है, सिंपल मैकेनिज्म होता है। जैसे इस मटेरियल के अंदर यहाँ पर डिसलोकेशन है, तो जब मैं इसमें स्ट्रेस अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये जो डिसलोकेशन है वो मूव करेगा, ठीक है। जैसे मैंने इधर से स्ट्रेस अप्लाई किया तो ये डिसलोकेशन मूव करके पहले ही सेकेंड पोजिशन पर था, अब किस पे आ गया, थर्ड पे आ गया, ठीक है। उसके बाद किस में आ जाएगा, फोर्थ पे आ जाएगा, फिर फिफ्थ पे, उसके बाद ये क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। मतलब इतने अमाउंट का आपका डिफॉर्मेशन हुआ है, मतलब जो एक डिसलोकेशन क्या होता है, अंदर में जो रहता है मूव करता है और एक बार क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, मतलब इतना अमाउंट में आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको हुआ है मेटल में, इसके बोलते हैं डिसलोकेशन ग्लाइड। मतलब सिंपल आपने डिसलोकेशन में स्ट्रेस लगाया या मेटल में स्ट्रेस लगाया, वो जाकर डिसलोकेशन में अप्लाई हुआ और डिसलोकेशन क्या कर रहा है, अपना पोजिशन चेंज कर रहा है, इसको बोलते हैं डिसलोकेशन ग्लाइड, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि डिसलोकेशन हमेशा सबसे जो डेंस प्लेन होता है ना उसी में मूव करता है, ठीक है। सबसे जो डेंस प्लेन मतलब क्या, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, जिसमें गैप कम होगा, उस प्लेन में ही डिसलोकेशन मूव करता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्लिप प्लेन। जैसे जो एफसीसी होता है उसके लिए स्लिप प्लेन होता है 111 स्लिप प्लेन होता है, सबसे डेंस प्लेन होता है। तो डिसलोकेशन इसी में ही मूव करेगा, इसी प्लेन में,
ठीक है। BCC के लिए क्या होता है, 110 जो है वो डेंस प्लेन होता है, ठीक है। तो डिसलोकेशन इसी में मूव करता है, इसको स्लिप प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस केस में काम करते हैं, जब आपका स्ट्रेस ज़्यादा हो, ठीक है। और एक टर्म है पल्स नेब्रो स्ट्रेस करके, पल्स नेब्रो स्ट्रेस क्या है, वो मिनिमम स्ट्रेस जो हमको अप्लाई करना पड़ता है डिसलोकेशन को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो हर मेटल का अपना एक पल्स नेब्रो स्ट्रेस होता है, या डिसलोकेशन का पल्स नेब्रो स्ट्रेस होता है, कि इतना आपको स्ट्रेस देना ही है डिसलोकेशन को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो डिसलोकेशन ग्लाइड है ना, वो लो टेम्परेचर में काम आता है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अलग टाइप का मैकेनिज्म काम करने लगता है, ठीक है। ये लो टेम्परेचर में ये वाला मैकेनिज्म काम आता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, तब क्या होता है, डिसलोकेशन क्रीप होता है। अब देखो डिसलोकेशन क्रीप यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है ना, स्ट्रेस थोड़ा सा कम है, डिसलोकेशन ग्लाइड के कंपेयर में करोगे तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम है, ये वाला रीजन है स्ट्रेस कम है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इस कंडीशन में ये वाला मैकेनिज्म काम करता है डिसलोकेशन क्रीप। ये क्या होता है ना, जब डिसलोकेशन जब मूव करता है, ठीक है, डिसलोकेशन जब मूव करता है ना, तो क्या होता है, वो आपस में मतलब फंस जाते हैं, है ना, आपस में फंस जाते हैं। जैसे ये बहुत सारा देखो, जब हम मैटर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं ना, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण ही और सारे डिसलोकेशन जनरेट होते हैं, बहुत सारे डिसलोकेशन जनरेट होते हैं, तो वो डिसलोकेशन आपस में फंस जाते हैं, या बोल सकते हो कि पाइलअप हो जाता है, एक रस्सी की तरह होता है, जो डिसलोकेशन लाइन होता है ना, ऐसे रस्सी की तरह होता है, ये डिसलोकेशन लाइन आपस में ऐसे पाइलअप हो जाते हैं, ठीक है, जब हम डिफॉर्मेशन करते हैं तो उससे क्या होता है ना, मटेरियल में स्ट्रेन हार्डनिंग आ जाता है। मतलब मटेरियल को एक बार मैंने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर दिया तो डिसलोकेशन पाइलअप हो जाता है, बहुत सारा डिसलोकेशन आपस में मिल जाते हैं, तो डिसलोकेशन मूवमेंट रुक जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। मतलब मेटल में जब लोड लगाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब स्ट्रेन हार्डनिंग तो हुआ मेटल में, लेकिन जब मेटल का टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है, पाइलअप तो होता है डिसलोकेशन, लेकिन होता क्या है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो आपका जो भी डिसलोकेशन होता है ना, वो दूसरे प्लेन में जाने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, एक होता है स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन क्या करता है, कैसे मूव करता है, ये क्रॉस स्लिप करता है। क्या करता है, क्रॉस स्लिप। देखो क्रॉस स्लिप का मतलब क्या है, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में अभी स्क्रू डिसलोकेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए इस प्लेन में कोई ऑब्स्टिकल आ गया या पाइलअप हो गया डिसलोकेशन का, है ना, तो उस केस में क्या है, अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो क्या होगा ना, ये जो है ना, ये जो डिसलोकेशन अपना प्लेन चेंज करके इस प्लेन से दूसरे वाला प्लेन का हिस्सा बन जाता है। जैसे ये इस प्लेन में जा रहा है, ठीक है, ये वाले सरफेस में जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये क्रॉस स्लिप कर जाता है, मतलब इस प्लेन से दूसरे वाले स्लिप में चला जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉस स्लिप। इससे क्या होता है ना, जो पाइलअप होता है या इस प्लेन में कोई ऑब्स्टिकल होगा, मान लीजिए कोई प्रेसिपिटेट है या कोई भी चीज़ है ना, मतलब इस प्लेन में डिसलोकेशन को मूव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करेगा ना, उस प्लेन में ना जा करके किसी और प्लेन में चला जाएगा, है ना, ये वाले प्लेन में चला जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस स्लिप। तो क्रॉस स्लिप करने से क्या होता है ना, मटेरियल को जो डिसलोकेशन को जो ऑब्स्टिकल रोक रहा था, है ना, उसको ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने की जगह वो क्या कर लेता है, किसी और प्लेन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल ना हो। तो इससे मटेरियल डिफॉर्म होना चालू हो जाता है, मतलब जो मटेरियल का जो स्ट्रेन हार्डनिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि डिसलोकेशन क्या कर गया, दूसरे स्लिप में चला गया, क्रॉस स्लिप कर लिया, ठीक है। तो ये क्रॉस स्लिप होने के लिए आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो ना कम लोड में ही मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये हो गया स्क्रू डिसलोकेशन के केस में। अब जो एज डिसलोकेशन होता है ना, जैसे यहाँ पे आपका ये एज डिसलोकेशन है, ठीक है। अब ये एज डिसलोकेशन ये है पूरा, तो इसका डिसलोकेशन लाइन कौन सा होगा, ये वाला, ये अंदर से जो ये जो लाइन बनाएगा ना, ये इसका डिसलोकेशन लाइन होगा, ठीक है। अब देखो, जब भी हम किसी चीज़ को गर्म कर दें, मेटल को जब गर्म कर देना, तो उसमें वैकेंसी क्रिएट होता है, क्योंकि थर्मल फ्लक्चुएशन होता है, मतलब जैसे ही हम मेटल को हीट करते हैं उसमें थर्मल वाइब्रेशन चालू हो जाता है, है ना। एटम्स क्या करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट के करने के कारण वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है, इसको बोलते हैं वैकेंसी। तो वैकेंसी क्रिएट होता है, तो देखो वैकेंसी के कारण ना एज डिसलोकेशन ना क्लाइंब कर सकता है या डाउन आ सकता है। जैसे कि आपका एज डिसलोकेशन है ना, अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक वैकेंसी है, तो अगर ये वैकेंसी यहाँ को छोड़ के अगर नीचे में आ जाए, तो यहाँ पे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये डिसलोकेशन एक एक हिस्सा ऊपर क्लाइंब कर जाएगा। कैसे,
अभी ये जो एज डिसलोकेशन है यहाँ से चालू हो रहा है, इस प्लेन से चालू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से चालू हो रहा है ना, इस पोर्शन से। लेकिन अगर ये वाली वैकेंसी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये वाली वैकेंसी कहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, और यहाँ का एटम इधर यहाँ पे चला जाए, तो ये यहाँ पे वैकेंसी हो जाएगी। तो एटम यहाँ से चालू हो रहा है, तो आपका डिसलोकेशन क्या हुआ, एक एक प्लेन ऊपर चला गया, ये होता है डिसलोकेशन क्लाइंब। वही एक और चीज़ हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एटम पहले से था ही, कोई यहाँ पे वैकेंसी नहीं था, मान लीजिए ये वाला एटम जो है अपनी जगह को छोड़ के यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, तो ये जो एज डिसलोकेशन है वो एक नीचे आ गया, क्लाइंब करने के जाए गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर में पॉसिबल होता है, क्लाइंब कर सकता है या डाउन आ सकता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि मान लो किसी प्लेन में डिसलोकेशन को ऑब्स्टिकल मिल रहा है, या डिसलोकेशन का पाइलअप हो गया ऐसा, है ना, वो अभी रुक गया है, लेकिन जब आप टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो क्या होगा ना, डिसलोकेशन ये क्लाइम कर सकता है, मतलब वो इस प्लेन से ऊपर वाले प्लेन में शिफ्ट हो गया, जहाँ पे ऑब्स्टिकल नहीं है ना, जहाँ पे ऑब्स्टिकल नहीं है, तो अब डिसलोकेशन क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। अब वो फ्रीली मूव कर सकता है, क्योंकि पहले जिस प्लेन में था वहाँ पे ऑब्स्टिकल था, वहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वैकेंसी क्रिएट हुआ, वैकेंसी के कारण वो क्लाइम कर गया ऊपर, तो जो ऊपर वाला प्लेन था उसमें ऑब्स्टिकल नहीं है, तो वो आसानी से मूव हो सकता है डिसलोकेशन, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो क्रॉस लीप और डिसलोकेशन क्लाइम की वजह से ऐसा कंडीशन क्रिएट हो रहा है जिससे मटेरियल कम लोड में डिफॉर्मेशन चालू हो रहा है उसका, या उसका जो स्ट्रेन हार्डनिंग जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब थर्ड मैकेनिज्म होता है कोबल क्रीप या नेवेरो हीरिंग क्रीप, ठीक है, दोनों एक ही टाइप का है। यहाँ पे देखो ये कोबल क्रीप और नेवेरो हीरिंग क्रीप, ये सब जनरली क्या होता है, हाई जब टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, और आपका लोड बहुत कम होता है उस केस में होता है। जैसे हम कोई भी मेटल में क्रीप लोड लगा रहे हैं, क्रीप लोड मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट लोड में अप्लाई कर रहा हूँ किसी मेटल पे, लेकिन टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है, लोड में बहुत कम लगा रहा हूँ, तब भी इसमें डिफॉर्मेशन चालू होता है, वो क्यों होता है, कोबल क्रीप और नेवेरो हीरिंग क्रीप के कारण। ये एक मैकेनिज्म है ना, डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म। तो देखो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में क्या होता है ना, मैं इधर यहाँ पे बना के बताता हूँ। मान लीजिए ऐसा कोई ग्रेन ग्रेन बाउंड्री है, मान लीजिए ऐसा कोई ग्रेन है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे इधर से मैं लोड लगा रहा हूँ, इसमें यहाँ मैं इधर से इसमें टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं टेंसाइल लोड आपका अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वाला जो ग्रेन है वो टेंसाइल वो करेगा, टेंसाइल लोड लगेगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, इसमें कंप्रेसिव लोड लगेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो क्या होता है, उसका लेंथ बढ़ता है लेकिन डायमीटर कम होता है, तो ये वाला हिस्से में टेंसाइल लोड लगेगा, लेकिन इधर वाले पोर्शन में आपका क्या होगा, कंप्रेसिव लोड लगेगा, ठीक है। अब देखो जो ग्रेन बाउंड्रीज जो होती है ना, ग्रेन बाउंड्रीज क्या होती है, वहाँ पे कोई ग्रेन बाउंड्रीज का कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता नहीं है, ठीक है, तो ग्रेन बाउंड्रीज में बहुत सारी क्या होती है, वैकेंसीज होती है ना। जैसे ग्रेन बाउंड्री में क्या होता है, दो ग्रेन्स ऐसे मिलते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो जो भी ग्रेन बाउंड्री होती है ना, वहाँ पे खाली जगह बहुत होता है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है, तो ग्रेन बाउंड्री एक तरह से सोर्स भी है वैकेंसी का और सिंक भी है वैकेंसी का, मतलब कोई वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी वैकेंसी आके, या ग्रेन बाउंड्री से ही कोई वैकेंसी चालू हो सकती है, ठीक है। तो सोर्स और सिंक दोनों हैं ग्रेन बाउंड्री वैकेंसी का, ठीक है। तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में क्या होता है ना, जब हम थोड़ा सा भी लोड लगाते हैं, तो ये वाला जो ग्रेन है इसमें क्या लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है ये वाले में, तो इस ग्रेन बाउंड्री से ना वैकेंसी क्रिएट होता है, यहाँ से क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट होगा इस वाले लाइन से, ये वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होगा, और ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है, यहाँ पे वैकेंसी क्या होगा, सिंक होगा, मतलब एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी क्रिएट होगा इधर, और इधर वैकेंसी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो जब हम लोड लगाते हैं थोड़ा सा भी लोड हाई टेम्परेचर में, तो इधर की जो वैकेंसी है ना इधर जाके शिफ्ट होने लगती है, यहाँ वैकेंसी जनरेट होता है और ये वैकेंसी इधर शिफ्ट होती है ऐसे, ठीक है, इधर शिफ्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपको कैसा टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, इस तरह का।
यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो फुल लाइन दिखाया गया है ना वो बिफोर क्रिप है, ये जो फुल लाइन दिख रहा है ना वो बिफोर क्रिप को दिखा रहा है, और जो डॉट डॉट लाइन है ना वो आफ्टर क्रिप को दिखा रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है ना, बिफोर क्रिप और आफ्टर क्रिप में क्या एक चीज़ देख रहे हो कि इसका लेंथ बड़ा है, सैम्पल का लेंथ बड़ा है लेकिन डायमीटर कम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, इसका जो ग्रेन है वो थोड़ा सा इलॉन्गेट हो रहा है ना। ग्रेन क्या हो रहा है, ग्रेन अगर आप देखोगे तो इलॉन्गेट हो रहा है, ठीक है। जैसे ग्रेन पहले ऐसे था ऐसा, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इलॉन्गेट हो रहा है, ग्रेन का डायमीटर कम हो रहा है और लेंथ ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेन बाउंड्रीज के आसपास वैकेंसी मतलब जनरेट हो रही है ना, हाई हाई टेम्परेचर की वजह से ग्रेन बाउंड्री जो है शिफ्ट हो रहा है, अपना वैकेंसीज इतनी ज़्यादा क्रिएट हो रही है कि वो शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ था ग्रेन बाउंड्री, वो कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है, और इलॉन्गेट हो रहा है ना। पहले ये वाली ओरिजिनल ग्रेन बाउंड्री थी, उसके बदले ऐसी वाली ग्रेन बाउंड्रीज बन रही है, ठीक है। ये वैकेंसीज इतनी ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, वैकेंसी जनरेट होने के कारण ना ग्रेन बाउंड्री शिफ्ट हो रहा है। ग्रेन बाउंड्री क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, ग्रेन बाउंड्री का ग्लाइड वगैरह नहीं हो रहा है, ग्रेन बाउंड्री क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इलॉन्गेट हो रहा है, जबकि हम लोड पे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद। तो इसलिए क्या हो रहा है, इसमें डिफॉर्मेशन चालू हो रहा है, क्योंकि ग्रेन बाउंड्री इलॉन्गेट हो रहा है तो उसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोबल क्रिप या नेब्रो हेरिंग क्रिप, ठीक है। इसमें अगर और डिटेल से जाओगे ना तो बहुत सारा मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, वो आपको मैंने यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आप लोग समझ लीजिए कि इस तरह से कम टेम्परेचर पे भी मेटल, सॉरी कम लोड में भी मेटल क्यों डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो कम लोड और हाई टेम्परेचर में इसकी वजह से डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या जान लिया कि कौन कौन से डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म हैं क्रिप में, ठीक है। आप देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर जो है वो क्रिप स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन फैक्टर है वो है टेम्परेचर, ठीक है। ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ को, नॉर्मल स्ट्रेंथ को भी और क्रिप स्ट्रेंथ को भी। ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, मटेरियल का क्रिप स्ट्रेंथ कम हो गया, कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो स्ट्रेंथ क्रिप स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो लो टेम्परेचर जब होता है ना मटेरियल में, जब लो टेम्परेचर मतलब जब 50% होता है मेल्टिंग पॉइंट का, 50% टेम्परेचर होता है, जैसे स्टील का मेल्टिंग पॉइंट 1500, आयरन का 1540 है, तो उसका 50% कितना हुआ, 700 के आसपास, 750, 775 के आसपास हुआ है ना। तो लो टेम्परेचर में 50% ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मटेरियल में जो मेन डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म होता है वो स्लिप और ट्विनिंग के कारण होता है, ठीक है। जो शुरू में बताया ना डिसलोकेशन ग्लाइड, वही है, स्लिप और ट्विनिंग के कारण होता है। लेकिन जब जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब बढ़ते जाता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं अलग दूसरे टाइप के मैकेनिज्म भी चालू हो जाता है, जैसे डिसलोकेशन क्रीप हो गया, कोबल क्रीप हो गया, नेब्रो हेरिंग क्रीप, वो सारे मैकेनिज्म चालू हो जाते हैं, ठीक है। उससे मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, घटने लगता है ना। तो ये अगर टेम्परेचर को देखोगे ना तो वो दो तरीके से काम करता है। देखो अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर जब कम होता है ना तो जो फ्रैक्चर जो होता है वो ट्रांस ग्रेनुलर फ्रैक्चर होता है, मतलब जब फ्रैक्चर जनरेट होगा ना वो ग्रेन्स के बीच जनरेट होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर में ग्रेन बाउंड्रीज का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ग्रेन बाउंड्रीज और डिसलोकेशन के लिए ऑब्स्टेकल का भी काम करता है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर में जब फ्रैक्चर होता है ना तो क्या होता है, वो अलॉन्ग द ग्रेन होता है, इसको बोलते हैं ट्रांस ग्रेनुलर फ्रैक्चर, ठीक है। ये कब होता है, जब टेम्परेचर 0.5 ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट से कम हो, लेकिन अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है ना तो इंटर ग्रेनुलर फ्रैक्चर चालू हो जाता है, मतलब जो फ्रैक्चर है वो अलॉन्ग दी ग्रेन बाउंड्री होगा, क्योंकि टेम्परेचर जब हाई होता है ना तो ग्रेन बाउंड्रीज का स्ट्रेंथ कम होता है, कम हो जाता है, क्योंकि ग्रेन बाउंड्रीज पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्रेन बाउंड्रीज पे सेग्रीगेशन वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से ना क्या होता है कि ग्रेन बाउंड्री जो है वो वीक हो जाती है हाई टेम्परेचर में। लो टेम्परेचर में ग्रेन बाउंड्री का स्ट्रेंथ ज़्यादा लगा होता है, लेकिन हाई हाई टेम्परेचर में ग्रेन बाउंड्री का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा ना कि लो टेम्परेचर में जो फ्रैक्चर होगा वो ट्रांस ग्रेनुलर होगा, ग्रेन के बीच में फ्रैक्चर होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर में जब फ्रैक्चर होगा तो वो इंटर ग्रेनुलर होगा, ग्रेन्स बाउंड्री के अलॉन्ग होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हाई टेम्परेचर में ना एक और डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म काम 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 करता है, वो है डिसलोकेशन ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग, उसको बोलते हैं
ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग, ठीक है। बहुत हाई हाई टेम्परेचर में क्या होता है, ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका जो ग्रेन्स है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ग्रेन्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में क्या होगा ना, ग्रेन बाउंड्रीज वीक हो जाती है। ग्रेन बाउंड्री क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, क्योंकि ग्रेन बाउंड्रीज में सेग्रीगेशन होता है। इसी वजह से ग्रेन बाउंड्री के मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना, इसलिए ग्रेन बाउंड्री में मेल्टिंग चालू हो जाती है, वो वीक हो जाता है। तो हाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, ग्रेन बाउंड्री आपस में स्लाइड करने लगते हैं। जैसे ये एक ग्रेन है, ये मान लीजिए दूसरा ग्रेन है, तो वो आपस में क्या करेगा, वो स्लाइड स्लाइड होगा, क्योंकि बाउंड्री जो है जिसको जोड़ के रखा हुआ है वो वीक हो गया। तो ये और ये दोनों आपस में स्लाइड करते हैं, इसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग, या हाई टेम्परेचर में होता है। इसकी वजह से मटेरियल वीक हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये है, तो आप मतलब क्लियरली यहाँ पे समझ गए होंगे कि अगर ग्रेन साइज़ ग्रेन साइज़ छोटा है, स्मॉल ग्रेन साइज़ है, स्मॉल ग्रेन साइज़ है, तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा लो टेम्परेचर में। लो टेम्परेचर में स्ट्रेंथ ज़्यादा कब होगा, जब ग्रेन साइज़ छोटा होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दिए तो ये स्मॉल ग्रेन साइज़ आपके लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर में ग्रेन बाउंड्री क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो अगर छोटा ग्रेन होगा तो ज़्यादा बाउंड्री होगी, तो मटेरियल ख़राब हो जाएगा, स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल ग्रेन है ना, तो लो टेम्परेचर में अच्छा स्ट्रेंथ देगा, लेकिन हाई टेम्परेचर में कम स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इक्वी कोहेसिव टेम्परेचर। ये इक्वी कोहेसिव टेम्परेचर यही है, ये एक वो है, ये एक लिमिटिंग रेंज को बताता है कि इस टेम्परेचर के नीचे जो फ्रैक्चर होगा वो ट्रांसग्रेनुलर होगा, और इस टेम्परेचर के बाद जो फ्रैक्चर होगा वो इंटरग्रेनुलर होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि लो टेम्परेचर में जो फ्रैक्चर होता है वो ग्रेन्स के बीच से चालू होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर में ग्रेन बाउंड्री का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रेन का स्ट्रेंथ कम होता है। तो फ्रैक्चर ग्रेन्स के बीचों बीच चालू होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसग्रेनुलर फ्रैक्चर। लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ग्रेन बाउंड्री वीक हो जाती है, उसके कारण इंटरग्रेनुलर फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो इस दोनों का जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, उसको बोलते हैं इक्वी कोहेसिव टेम्परेचर। उसके नीचे ट्रांसग्रेनुलर फ्रैक्चर होगा, उसके ऊपर इंटरग्रेनुलर फ्रैक्चर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या इफेक्ट करता है, कंपोजिशन, ठीक है। तो जितने भी अलॉयिंग एलिमेंट है जो जो मतलब सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं फेराइट के साथ, या फेराइट के अंदर में घुल जाते हैं, जैसे मैंगनीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब क्या करता है ना, मटेरियल के क्रीप स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर टेम्परेचर क्या हो, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हो, मतलब लो टेम्परेचर में अगर आपको क्रीप चाहिए, क्रीप स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये सब अलॉयिंग एलिमेंट काम आएगा, मैंगनीज, निकिल, कोबाल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको हाई टेम्परेचर में क्रीप स्ट्रेंथ चाहिए, तो फिर जो कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट है, जैसे मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, वैनेडियम, ये सब काम करेगा, ठीक है। अब वो अगर टेम्परेचर क्या होगा, एबो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा, है ना, मतलब एबो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में आपको क्रीप स्ट्रेंथ अच्छा चाहिए, तो ये डालिए, है ना। और अगर बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में स्ट्रेंथ अच्छा चाहिए, तो ये सब एलिमेंट डालिए, ठीक है। नेक्स्ट है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्रीप पे। तो जो नॉर्मलाइज स्टील होता है, जिसका हम लोग नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, वो स्टील सबसे बेस्ट होता है क्रीप के लिए। उसका क्रीप स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है नॉर्मलाइज स्टील का, ठीक है। एनहेल्ड का थोड़ा उससे कम होता है नॉर्मलाइजिंग से स्ट्रेंथ, और कॉन्च्ड वाला तो बहुत ख़राब है, ठीक है। मतलब वो स्टील जिसका हमने क्वांचिंग किया है, उसका क्रीप स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है क्रीप के लिए, उसके बाद एनहेलिंग होता है, और उसके लास्ट में होता है क्वांचिंग। क्वांचिंग तो सबसे ख़राब होता है, अगर आपको क्रीप स्ट्रेंथ चाहिए हो तो आपको क्वांचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेन साइज़। तो ग्रेन साइज़ का अगर देखा जाए, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर लो टेम्परेचर है तो स्मॉल ग्रेन होना चाहिए, लो टेम्परेचर में स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या होना चाहिए, ग्रेन स्मॉल होना चाहिए। अगर आपको हाई टेम्परेचर में स्ट्रेंथ चाहिए तो ग्रेन ग्रेन क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रीप स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है, स्मॉल ग्रेन से बढ़ता है कि लार्ज ग्रेन से बनता है बढ़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा लार्ज ग्रेन। अगर ग्रेन साइज बड़ा होगा तो क्रीप स्ट्रेंथ अच्छा होगा, ठीक है। क्रीप के केस में बस ये काम आ रहा है कि ग्रेन साइज बड़ा होना चाहिए तो क्रीप स्ट्रेंथ अच्छा होगा, ठीक है। बाकी नॉर्मल अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाए, यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे ग्रेन साइज छोटा होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। बट क्रिप के केस में थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या क्या मैकेनिज्म देखा, ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग हमने देखा, उसके बाद मतलब उसके बाद कोबल क्रिप देखा, वहाँ पे ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो
तो ग्रेन जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा क्रीप स्ट्रेंथ चाहिए तो ग्रेन साइज़ बड़ा होना चाहिए, लार्ज ग्रेन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है क्रीप के लिए बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जिंक के ऊपर जब कॉपर की कोटिंग कर देते हैं ना, तो उसका क्रीप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसे कोटिंग हटा देते हैं उसका क्रीप स्ट्रेंथ पूरा घट जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेल्प करता है क्रीप स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब अगर आपका कोरोजिव एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हो, किसी भी मेटल को ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हो, तो जल्दी उसका क्रिप स्ट्रेंथ कम रहेगा। क्योंकि क्योंकि कोरोजिव एनवायरनमेंट में कोरोजन लगेगा, उसके कारण फ्रैक्चर होगा जल्दी से, तो मेटल जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड फेज पार्टिकल्स। सेकेंड फेज पार्टिकल्स अगर मेटल में होते हैं तो उसका क्रिप स्ट्रेंथ अच्छा होगा, ठीक है। सेकेंड फेज पार्टिकल ऑलवेज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। चाहे वो फटिक स्ट्रेंथ हो, क्रीप स्ट्रेंथ हो या नॉर्मल यील्ड स्ट्रेंथ हो, ठीक है। सेकेंड फेज पार्टिकल एक्चुअली में करता क्या है, जो डिसलोकेशन होता है ना उसको ब्लॉक करता है। जैसे डिसलोकेशन लाइन है आगे की ओर मूव कर रहा है, लेकिन अगर सेकेंड फेज पार्टिकल होगा तो इसको रोक देगा, ठीक है, इसको रोक देगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, है ना। डिसलोकेशन ग्लाइड को क्या करता है, इम्पेड करता है, मतलब रोकता है। इससे क्या हो जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग बढ़ जाता है, क्योंकि वो डिसलोकेशन को मूव करने नहीं देता है, तो स्ट्रेन हार्डनिंग बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन होता है ना, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, रिकवरी होता है, रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन, इससे स्ट्रेंथ कम होता है मेटल का। तो क्या करता है ना, ये सेकेंड फेज पार्टिकल वहाँ को भी रिकवरी को रोक देता है, ठीक है, डिसलोकेशन मूवमेंट को रोक देता है, रिकवरी को रोक देता है। इसके कारण मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो बना रहता है हाई टेम्परेचर में भी, है ना। तो सेकेंड फेज पार्टिकल क्या होता है, बहुत अच्छा होता है क्रिप स्ट्रेंथ के लिए। ओके, सो ये था पूरा वीडियो क्रिप के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।